गाइस, मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी ज्यादा शॉपिंग की है कि अगर मैं आज आपको दिखाने बैठ गया ना तो शायद मेरी शादी निकल जाएगी। बिल्कुल आपने सही सुना, ये जो शॉपिंग मैंने की है ना अपनी शादी के लिए की है। आज ही मेरी शादी, और सोचो आज ही मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी पापा ने आज ही मुझे पैसे दिए थे। अब मेरी खुद की तो जॉब है नहीं जो मैं पहले से शॉपिंग कर लेता। खैर गाइस, चलो अब जल्दी चलते हैं। सिंचन पिंचन, अवेंजर, सब के सब यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं मेरी शादी के लिए, और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी शादी करवाने के लिए उतावला हो रहा है। चलो गाइस जल्दी चलते हैं, आप सब भी मेरे साथ रहना। इसमें से कौन से कपड़े चूज करने हैं प्लीज यार मुझे सजेस्ट कर देना, क्योंकि मैं कपड़े चूज करने में बहुत बुरा हूं। इसलिए मैंने बहुत सारी दुकान से कपड़े खरीदे। अरे बचा, मार दिया, प्लीज हेल्प मी। अरे गाइस कोई वीडियो लाइक करो, नहीं मुझे मेरे शादी वाले दिन नहीं मरना। ये क्या हो गया मेरे साथ, कोई है, हेल्प मी। अरे चल गया मैं तो बुरा वाला। दोस्तों प्लीज जल्दी लाइक बटन दबा दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में कोई लिखो प्लीज हेल्प अवेंजर्स, मैं मर जाऊंगा। गाइस स्टॉक मेंशन बिल्कुल मेरे सामने है, प्लीज अवेंजर्स देख लो मुझे, मेरी हालत खराब हो रही है। यहाँ पर कोई देख भी नहीं रहा है कि यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है। ओह नो, मैंने जितनी भी शॉपिंग की थी मेरे सारे कपड़े जूते शूज सब कुछ जल चुका है और मैं भी मर रहा हूँ। मुझे मरना नहीं है, प्लीज गॉड मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। कोई है, कोई मेरी मदद कर दो प्लीज। जल्दी जल्दी यहाँ पर अपनी सारी कार्स को नई तरह से चमका दूंगा। फ्रैंकलिन बस आता ही होगा, उसे ऑलरेडी 2 घंटे हो गए। हल्क ने यहाँ पर पार्टी के लिए बर्गर रेडी किया है। और मैं तो यहाँ पर बढ़िया तरीके के फ्लावर्स लगाऊंगा, मैं यहाँ पर टूट फूट को रिपेयर करके चमका दूंगा। मेरा बच्चा फ्रैंकलिन की शादी होने वाली है। अरे कहाँ है फ्रैंकलिन जी? अरे आएंगे आएंगे भाभी जी, फ्रैंकलिन भैया आएंगे, वो शॉपिंग करने गए। भाई साहब पहली बार इतनी सारी शॉपिंग करा हमारा कलवा। अरे क्या बात है, मेरी शादी के लिए इतनी सारी तैयारियां भी हो गई। अरे दोस्तों, अरे फ्रैंकलिन आ गया तो? अरे आ गया, मैं टोनी स्टार्क आ गया। एक मिनट, तेरी आवाज मुझे बदली बदली लग रही है। अरे कोई नहीं, वो रास्ते में यार थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी सारी शॉपिंग खराब हो गई। हीफ की भैया आप आ गए, नंगू पंगू होकर शादी करेंगे क्या? अरे ऐसी बात नहीं है यार, अपनी भाभी जी के सामने ऐसी बातें मत करो। अरे फ्रैंकलिन जी जल्दी जाओ और शादी के लिए कपड़े पहन कर आओ। अरे फ्रैंकलिन तू भी नूब है यार, मैंने तुझे यहाँ पर मम्मी पापा से इतने सारे पैसे दिलाए थे और तूने सारी शॉपिंग खराब कर दी। अरे वो एक्सीडेंट हो गया था बोलता रहा। अच्छा चल ठीक है, यहाँ पर एक काम कर, तू मेरे कपड़े पहन कर आ जा, लाल सूट पहन कर आना, बहुत बढ़िया लगेगा, भाभी जी भी खुश हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा टोनी जी, मुझे अच्छे लगेंगे लाल सूट में। अरे बिल्कुल। अरे क्यारा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी गया और अभी आया। जल्दी कर बच्चे, मुहूर्त निकल जाएगा नहीं तो। अरे जा रहा हूँ डॉक्टर से। ये फ्रैंकलिन मुझे थोड़ा बदला बदला लग रहा है, खैर मैं शायद ऐसी शक कर रहा हूँ गाइस। किसी को पता भी नहीं चला कि मैं कौन हूँ, मैं असली फ्रैंकलिन हूँ ही नहीं। अब मेरी शादी होगी और फ्रैंकलिन तो गया काम से, कोई भी मत बताना कि असल में मैं असली फ्रैंकलिन हूँ ही नहीं। मजा ही आ गया। अरे वाह, मैंने तो कपड़े भी पहन लिए, मुझे लाल वाले ज्यादा अच्छे नहीं लगे इसलिए ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। चलो जल्दी चलता हूँ, किसी को ये तक नहीं पता कि मैं असलियत में हूँ कौन। अरे देख स्टार्क। अरे बाप रे, ये क्या लगता है गाइस, मैं बेहोश हो गया था लेकिन चलो शुक्र है मैं उठ गया। एक मिनट, इतना सारा खून किसका है? ओह नो, लगता है ये मेरा ही ब्लड है, इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो गया। शुक्र की बात तो ये है कि मैं बच चुका हूँ यहाँ पर, मर गया तो। एक मिनट है, ये क्या? नहीं ये तो मेरी बॉडी है, इसका मतलब मैं, मेरी सोल मेरी बॉडी से बाहर आ गई। ओह नो दोस्तों, ये सब क्या हो रहा है? एक मिनट, और मेरी कार का क्या हाल हुआ है? ओह नो, मुझे अपनी कार को ठीक कराना होगा। अरे बाप रे, मेरे कपड़े कहाँ चले गए जो मैंने शॉपिंग की थी इतनी सारी, सारा सामान सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई मुझे बचाने तक नहीं आया। अवेंजर्स कहाँ है, क्या करूँ मैं, मुझे जल्दी से अपनी कार में बैठ कर जाना होगा। है मैं तो कार के आर पार जा रहा हूँ। अरे हाँ मैं भूल गया था, मैं तो एक सोल हूँ, मेरे पास अब कोई बॉडी नहीं है, अब मैं शायद किसी को दिख भी नहीं रहूंगा। गाइस अब मेरा क्या होगा, अवेंजर्स के साथ मैं कितनी मस्ती करता था। फ्रैंकलिन ये गेम मैं जीतूंगा, जीतूंगा तो मैं बचपन से बस इसी चीजें मारू। फ्रैंकलिन भैया आप ही जीतेंगे। सब टोनी जीतेगा देख लियो, हाँ मैं ही जीतूंगा गाइस, तुम सब देख लेना। अरे बाप रे, मुझे सबकी याद आ रही है, और मेरी शादी का क्या होगा जब मुझे कोई देख ही नहीं सकता, फील ही नहीं कर सकता, तो मेरी शादी भी कैसे होगी। एक मिनट गाइस, मैं इस कार में बैठू? नहीं मैं किसी भी कार में नहीं बैठ पा रहा हूँ। गाइस क्या मैं आप सभी को दिख रहा हूँ? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है मेरी आवाज और मैं आपको दिख रहा हूँ तो प्लीज कॉमेंट में यस लिखिए, मैं अपनी बॉडी में बैठने का ट्राई करता हूँ, क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ। नहीं गाइस
गाइस देखिए, मैं अपनी बॉडी से बाहर जा रहा हूँ, शायद अब मैं कभी भी जिंदा नहीं हो सकता। मुझे जल्दी एवेंजर्स को बताना होगा, क्या पता अभी भी कोई तरीका हो जिस वजह से मेरी जान बचाई जा सके, क्योंकि अगर मैं मर गया होता पूरी तरह से तो शायद मेरी आत्मा भी यहाँ नहीं होती, वो ऊपर वाले के पास होती। अगर मैं धरती पर हूँ तो शायद अभी भी मेरी जिंदगी है। प्लीज गाइस मेरी है, ये क्या, ये सब क्या हो रहा है, ये कौन है, ये तो मैं ही हूँ लेकिन मैं तो मर चुका हूँ, ये सब क्या हो रहा है। अरे फ्रैंकलिन तू तो, तेरा तो मुंह भी नहीं चल रहा है, तू बोल कैसे रहा है और ये कैसे घबरा रहा है तू। अरे मैं तो कुछ नहीं बोल रहा स्टार्क, क्या कह रहा है तू? तो फिर मुझे फ्रैंकलिन की आवाज कैसे आ रही है? टोनी स्टार्क, ये मैं हूँ असली फ्रैंकलिन, ये नकली कौन है? अरे बापरे गाइस ये सब क्या चल रहा है, स्टार्क मेरी बात मान। अरे बापरे मुझे भी फ्रैंकलिन जी की आवाज आ रही है। अरे यार क्यारा जी, हल्क, हल्क मेरे भाई। अरे बापरे हल्क को यहाँ पर किसी की आवाज आ रही है लेकिन दिख नहीं रहा है। अरे मैम फ्रैंकलिन तुम लोगों का, इस कमेंट में बताओ फ्रैंकलिन मर चुका है। टोनी स्टार्क तू तो मेरी बात का बिलीव कर। एक मिनट गाइस एक मिनट, यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फ्रैंकलिन की आवाज आ रही है मुझे लेकिन दिख नहीं रहा है, मेरे कान गूंज रहे हैं क्या? फ्रैंकलिन तू कहाँ पर है? अरे मैं तेरे पास ही तो खड़ा हूँ टोनी स्टार्क। अरे यार ये वाला फ्रैंकलिन नहीं, वो असली वाला फ्रैंकलिन। अरे मैं असली हूँ। गाइस कुछ तो गड़बड़ चल रही है। बिल्कुल सही कहा तूने टोनी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। एक मिनट दोस्तों, अगर आपको कोई फ्रैंकलिन दिख रहा है मेरे अलावा तो प्लीज कमेंट में यस लिखो। डॉक्टर स्ट्रेंज प्लीज, यहाँ पर क्या तुम ऐसा करोगे कि जो भी है यहाँ पर आत्मा या कोई भी भूत प्रेत जिससे कि वो सिर्फ हमें सुनाई न दिखने लगे। मेरे को भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आसपास जैसे हमारा फ्रैंकलिन डोल रहा हो जबकि हमारा फ्रैंकलिन हमारे साथ है। ये तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैं काम करता हूँ, वो जो भी आत्मा है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ सबको। बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज मैं मर चुका हूँ। एक मिनट ये क्या बोल रहा है ये दूसरा फ्रैंकलिन? अरे बाप रे मुझे तो यहाँ पर ये कोई भैरूपिया लगता है, अब्रकडब्रा तिति भैरूपावड़ा। बिल्कुल सही कहा गाइस, वो जो भी आत्मा है उसको भगाओ यार यहाँ से, मेरी शादी में इंटरप्शन कर रहा है। ऐसा नहीं है, मैं कोई इंटरप्शन नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ है। एक मिनट फ्रैंकलिन ही है यार ये तो मुझे फ्रैंकलिन ही दिख रहा है यार, ये कब क्या चल रहा है फ्रैंकलिन? क्या तू सच में ये तू ही है? बिल्कुल भाई ये मैं ही हूँ और मैं मर चुका हूँ, ये मेरी आत्मा है। क्या, अगर ये तेरी आत्मा है तो फिर तेरी रियल बॉडी कहाँ है और फिर ये वाला फ्रैंकलिन कौन सा है? चुपचाप बता तू कौन है। अरे मैं फ्रैंकलिन हूँ। अरे देख लो क्यारा जी ये क्या कर रहे हैं। अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन असली है कौन नकली। हल्क को भी समझ नहीं आ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे को भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, काम कर आत्मा वाले फ्रैंकलिन, अगर तू असली है तो अपनी डेड बॉडी हमें दिखा। बिल्कुल मैं तुम्हें अपनी असली डेड बॉडी दिखाता हूँ। जब मैं शॉपिंग करके वापस लौट रहा था तो एक साथ से ब्लास्ट हुआ और वो ब्लास्ट मेरी कार का था। या अरे बापरे, इसका मतलब अगर ये नकली वाला फ्रैंकलिन असली है या फिर असली वाला नकली है तो फ्रैंकलिन की कार जरूर फटी होगी। वैसे दोनों ही फ्रैंकलिन बोल रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ था, अगर ऐसा है तो इसका मतलब कार तो जरूर मिलेगी ना। अरे बिल्कुल चलो गाइस, मेरी कार तो होगी लेकिन देखना यहाँ पर वो नकली फ्रैंकलिन की बॉडी नहीं होगी, मैं असली हूँ। नहीं असली मैं हूँ जो मर चुका हूँ, आ जाओ तुम सब मेरे साथ। हल्क आएगा, हल्क पीछा करके आएगा और पता करेगा कि सच्चाई क्या है। गाइस देख लो यहाँ पर ये रहा इतना सारा ब्लड। हाँ वो तो हमें भी दिख रहा है, हो सकता है वो हमारे फ्रैंकलिन का ही ब्लड हो, मतलब होगा फ्रैंकलिन का ही जब एक्सीडेंट हुआ है। बिल्कुल मैं भी तो वही कह रहा हूँ। अरे बाप रे लगता है कार भी उठा के ले गया कोई। एक मिनट लेकिन यहाँ पर ब्लड तो है लेकिन कार और फ्रैंकलिन की बॉडी कहाँ है? हाँ बता चुपचाप आत्मा वाले फ्रैंकलिन। अरे बाप रे गाइस ये बात तो सही है, यहाँ पर ब्लड तो है। एक मिनट, अरे हाँ उधर थी मेरी बॉडी, आ जाओ मैं दिखाता हूँ। नहीं ये क्या, मेरी बॉडी कहाँ चली गई? बॉडी के साथ साथ कार भी गायब है, कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट, अरे ये कार तो अभी भी है, ये पहले भी थी लेकिन मेरी कार का है। देखा गाइस वो कोई बहरूपिया है, चलो जल्दी से उसको मारो और मेरी शादी कराओ क्यारा जी से। तूने यहाँ पर धोखा दिया, हाँ मेरे फ्रैंकलिन को तूने बहरूपिया बताया, मैं तुझे जान से मार दूंगा नकली फ्रैंकलिन आत्मा वाले, चल निकल जा यहाँ से, जरूर कोई दुश्मन पार्टी का बंदा होगा। नहीं मैं असली फ्रैंकलिन हूँ, प्लीज ये मेरे साथ धोखा हो रहा है, मरने के बाद भी तुम लोग मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो, मैंने कभी सोचा ना था। हम यकीन में क्यों करें, हाँ कहाँ है तेरी बॉडी अगर तू असली फ्रैंकलिन हो? बिल्कुल सही कहा है तेरी बॉडी, रुक मैं तेरे को अभी टॉर्चर करता हूँ। नहीं दोस्तों आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, गाइस आप लोग सच्चाई बताओ इनको, प्लीज मुझे सपोर्ट करो, सपोर्ट करने के लिए कमेंट में बताओ वेंचर्स को असली फ्रैंकलिन मर चुका है। कोई तुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की जीत होगी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग चाहे कितना डिनाई कर लो मैं ये सच्चा फ्रैंकलिन हूँ, एक ना एक दिन पछताओगे मुझे खोकर। ए वाकूफ कहीं का, चलो गाइस चलो जल्दी चलते हैं, हमें यहाँ पर फ्रैंकलिन और कियारा की शादी पूरे होते हुए देखना है, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल सही कहा है। अरे बाप रे ये क्या था, मुझे तो दर्द नहीं होना चाहिए था, आत्मा को भी दर्द हुआ, ये डॉक्टर स्ट्रेंज भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी बॉडी कहाँ पर होगी, कोई तो मेरी मदद करो, मम्मी पापा ने भी मुझे नहीं पहचाना, अब कौन मेरी मदद करेगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ।
एक मिनट, ये क्या, ये समुंदर के अंदर मेरी कार और मेरी बॉडी कैसे पड़ी है? अरे बाप रे, ये सब क्या है दोस्तों, ये क्या हो रहा है? और मेरी कार ठीक कैसे हो गई? ये तो पूरी तरह से ब्लास्ट थी। गाइस मुझे ये सब कुछ जादू टोना लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा। एक मिनट, मुझे गाइस अभी एक विजन आया था जिसमें मैंने समुंदर में खुद की कार को और खुद की बॉडी को लेटे हुए देखा था। गाइस मुझे वो समुंदर को ढूंढना होगा और अपनी डेड बॉडी को भी ढूंढना होगा और एवेंजर्स को यकीन दिलाना होगा। चलो जल्दी चलते हैं, मुझे जो विजन दिखा है मैं उसका पीछा करते करते जाऊंगा। गाइस मैं समुंदर में डुबकी लगा दिया हूं। एक मिनट, यहां पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, यहां तो कोई कार नहीं है और ना ही मेरी डेड बॉडी है। ओह नो, कहीं ये भी तो एक धोखा नहीं है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? एक मिनट, यहां पर सच में मेरी डेड बॉडी है और मेरी कार भी है। इसका मतलब जिसने भी मुझे मारा है या फिर शायद उस नकली फ्रैंकलिन ने मुझे मारकर मेरी डेड बॉडी और मेरी कार को यहां पानी में डाल दिया है। लेकिन गाइस सच ज्यादा टाइम तक छुप नहीं सकता, जब भी बाहर आएगा तो पूरी तरह से उस नकली फ्रैंकलिन की बैंड बजाएगा। अब मैं जल्दी से जाता हूं एवेंजर्स के पास, क्योंकि मैं खुद तो यहां पर खुद की बॉडी को नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं, मेरे से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों मैं एवेंजर्स को सच दिखाऊंगा, जल्दी चलते हैं, मुझे उस शादी को रोकना होगा। नहीं, वो मेरी क्यारा से शादी नहीं कर सकता। मुझे काफी शर्म आ रही है। अरे बिल्कुल आनी भी चाहिए। अरे बाप रे, ये नकली फ्रैंकलिन फिर से क्यों आ गया? गाइस रुको, मेरी बात मानो। अरे बाप रे, ये मुहूर्त निकलवाएगा। ए तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू अभी तक मरा क्यों नहीं? अरे इसको मार दो, खत्म कर दो। मम्मी जी प्लीज एक बार मेरे साथ चलिए, मुझे मेरी डेड बॉडी मिल गई। दुश्मन ने या फिर जिसने भी मुझे मारा है उसने मेरी डेड बॉडी और कार को समुंदर में फेंक दिया। क्या बात है, ये कहानी बड़ी अच्छी है, हल्क इस पर स्टोरी लिखेगा। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, एक बार मेरे साथ तो चलो। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक मैं तुझे बुरी तरह से टॉर्चर करता हूँ। जावेस मुझे यहाँ पर आयरन मैन का सूट दो। अरे मुझे आयरन मैन के सूट की जरूरत नहीं है, मैं गन निकाल के इसको मारूंगा। नहीं स्टार्क मेरी बात तो मान, मैं सच बोल रहा हूँ, एक बार प्लीज एक बार मेरे साथ चल, जाके देख ले। बेवकूफ कहेगा हट यहाँ से, हमारे फ्रैंकलिन की शादी नहीं होने दे रहा है मनहूस। अरे बाप रे, कहीं मेरा सच पकड़ा ना जाए, इस फ्रैंकलिन को डेड बॉडी कैसे मिल गई? ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे जल्दी जाके डेड बॉडी को कहीं और छुपाना होगा। जल्दी चलता हूँ। और वो कार कैसे मिल गई? कार तो फट गई थी, वो ठीक कैसे हो गई? एक मिनट, ए फ्रैंकलिन तू कहाँ जा रहा है भाई? फ्रैंकलिन रुक दो। अरे बाप रे, ये फ्रैंकलिन कहाँ जा रहा है गाइस? अरे स्टॉक मैं बोल रहा हूँ, वो असली फ्रैंकलिन है ही नहीं, वो शायद वहां से मेरी डेड बॉडी को शिफ्ट करने जा रहा है। क्या शिफ्ट करने जाने से क्या मतलब है ए नकली फ्रैंकलिन? अच्छा अगर ऐसी बात तो चल हमें लेकर चल वहां पर, जहां तुझे तेरी डेड बॉडी दी गई थी। बिल्कुल चलो मेरे साथ, मैं अभी लेकर चलता हूं। अरे मुझे जल्दी करनी होगी, ये सब क्या हो रहा है? ये फ्रैंकलिन मरकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है यार। अरे डेड बॉडी को इस बार जला दूंगा, पूरी तरह से गायब कर डालूंगा, मुझे अंदर कूदना होगा। जल्दी चलो गाइस, वो डेड बॉडी को छुपा देगा। हल्क आ रहा है, हल्क गन लेके आ रहा है। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? ये फ्रैंकलिन दिन दहाड़े समुंदर में डुबकी लगाने क्यों आया है? कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है जो आत्मा वाला फ्रैंकलिन वही असली हो? मैं ही असली हूँ, ये नकली है, देख लो इसका सच बाहर आने वाला है। बस प्लीज कोई सामने मत जाना, वरना ये अंदर नहीं जाएगा समुंदर के। जल्दी मुझे डेड बॉडी को निकाल कर जलाना होगा। अरे यार डेड बॉडी तो गीली भी होगी, उसको जलाऊंगा कैसे? एक काम करूंगा, पहले यहाँ पर पूरी तरह से इसको सुखा लूंगा, उसके बाद जला डालूंगा। देखो गाइस ये क्या कर रहा है? अरे बाप रे, ये तो सच में फ्रैंकलिन की कार है और फ्रैंकलिन की डेड बॉडी का है। वो देख स्टॉक देख हो रही। अरे नहीं, ये तो सच में फ्रैंकलिन तेरी डेड बॉडी है। अभी देखो ये क्या करने जा रहा है, ये तेरी डेड बॉडी के साथ आखिरकार करना क्या चाहता है? अरे जल्दी चलता हूँ बाहर निकल कर। अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा गीली हो गई डेड बॉडी, मुझे इसको जलाने का टाइम नहीं मिलेगा। एक काम करूंगा, इसको ना सीधा दफना दूंगा, एक ड्रिल मशीन लाऊंगा और खोद कर इसकी कब्र वहीं इसको दफना दूंगा। किसी को पता नहीं चलेगा असली फ्रैंकलिन कहाँ गया, और फ्रैंकलिन मैं बन कर रहूंगा और एवेंजर्स को एक दिन खत्म करके उनका लीडर भी बन जाऊंगा। और बाप रे, इसके तो प्लान्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, ये अब क्या करने वाला है? ये जरूर मेरी डेड बॉडी को दफनाने की बातें कर रहा है। मुझे बेशक इसकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है। प्यारे फ्रैंकलिन जी, आपके दाग तो धुल गए, लेकिन अब आप जाने वाले हैं समुंदर नहीं, सीधा जमीन के अंदर। ए रुक जा, मेरे फ्रैंकलिन को छोड़ दे। नकली फ्रैंकलिन, मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोड़ो, इसने मेरे प्यार का धोखा किया है। नहीं, इतना बड़ा जुर्म किया है कि इसकी सजा भी मैं तुझे क्या दूं, समझ नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, टोनी स्टार्क मेरी बात का यार है, मेरी बात तो सुन ले। मार इसको स्टार्क, पूछ इससे इसने मुझे क्यों मारा। अरे नहीं, गलत सोच रहे हो, मैंने यहाँ पर सिर्फ इसको छुपाया है, मारा नहीं है। क्या बोल रहा है तू? इसका मतलब अगर तूने नहीं मारा मेरे फ्रैंकलिन को तो किसने मारा है? तू यहाँ पर उसकी जगह क्यों लिया और अपना असली रंग बाहर ला? कौन है तू, बता मुझे। बताता हूँ, मैं फ्रैंकलिन नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्लैक फ्रैंकलिन हूँ। क्या ब्लैक
फ्रैंकलिन, ओह नो, मैं बार बार बेवकूफ क्यों बन जाता हूँ। कोई नहीं स्टार्क, इसमें तेरी गलती नहीं है, इसका प्लान ही इतना बढ़िया था, इसने पूरा बेस मेरा बदल दिया था। खैर गाइस, यहाँ पर अब सच्चाई बाहर आ गया है। सारे एवेंजर्स टूट टूट के फूट फूट के रो रहे हैं, उनका फ्रैंकलिन जोन से दूर चला गया है। लेकिन गाइस प्लीज, रोने में वक्त का जाया मत करो, मुझे जिंदा करने का सोचो, मुझे शादी करनी है प्लीज। मेरा बच्चा अब शादी कैसे करूंगा उसकी? नहीं, मैं बर्बाद हो गई शादी से पहले ही। प्लीज यहाँ पर ब्लैक फ्रैंकलिन, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगा, बस इतना बता दे फ्रैंकलिन को जिंदा कैसे करना है। अरे मुझे नहीं पता फ्रैंकलिन को सच में किसने मारा है, बस मुझे इतना पता है कि असल में जब फ्रैंकलिन मर गया था तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रैंकलिन का रूप बदल के मैं खुद की शादी कर लूं। अरे दोस्तों यार, अब क्या होगा, क्या मैं कभी भी जिंदा नहीं हो पाऊंगा? तरीका है जिंदा होने का, लेकिन बहुत ही ज्यादा डेडलीस्ट है। कहने का क्या मतलब है? तुम लोगों को ब्लैक फ्रैंकलिन के बड़े जायंट भाई के पास जाना होगा और एक ऐसा पोर्टल लाना होगा जिसके इस्तेमाल से तुम फ्रैंकलिन के पास में जाकर उसको जिंदा कर सको। अगर ऐसी बात है तो मैं ब्लैक फ्रैंकलिन तो क्या पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, मुझे जिंदा होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल फ्रैंकलिन, मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ, मैं अपने भाई को जिंदा करके रहूंगा। क्या बात है, मेरे पास जादुई पोर्टल आ चुका है, इसके इस्तेमाल से मैं किसी के भी पास्ट को चेंज कर सकता हूँ, जिंदे को मार सकता हूँ, मरने वाले को जिंदा कर सकता हूँ, मैं तो दुनिया का नया गॉड बन जाऊंगा। देखा स्टॉक, इसके इरादे कितने बुरे हैं, मैं समझ गया मेरे भाई। सबसे पहले हम यहाँ पर इस पर अटैक करेंगे, उसके बाद उस पोर्टल को लेकर यहाँ से भागेंगे। हे ब्लैक फ्रैंकलिन, यहाँ पर चुपचाप इस पोर्टल को मेरे हवाले कर दे, वरना बचेगा नहीं, ये ले। अबे तेरे इस खिलौने से मुझे कुछ नहीं होगा टोनी स्टार्क। फ्रैंकलिन जल्दी पोर्टल लेके भाग। अरे तू जो भूल गया क्या, मैं आत्मा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ओह नो सॉरी, अरे मुझे पता नहीं था। अरे यार इसका मतलब गाइस, ये तो गलती कर दी मैंने, मुझे पोर्टल लेकर ही भागना चाहिए था, ये तो बेवकूफी हो गई। अभी बताता हूँ तुझे टोनी स्टार्क किससे बातें कर रहा है। अरे किसी से नहीं कर रहा, बहुत बुरा मारा। कहाँ गया स्टार्क, दिख मुझे। गाइस अच्छा है मैं यहाँ पर गुमराह हो गया हूँ, उसके लिए जल्दी जाता हूँ। स्टार्क जल्दी से पोर्टल उठा मेरे भाई, और टोनी स्टार्क यहाँ से निकलते हैं हम जल्दी। ओके ओके ओके, यहाँ पर गाइस मैंने पोर्टल ले लिया है। फ्रैंकलिन जल्दी चल, हमारे पास समय नहीं है, हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल हवाले करना होगा, जिससे कि तुझे और मुझे तेरे पास में भेज दे, जैसे कि हम तेरे पास को बचा ले और तेरी शादी करा दे। मेरा बच्चा, एक मिनट, तुम लोग आ गए? अरे बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज, यहाँ पर हमारे पास कितना समय होगा? तुम्हारे पास सिर्फ दो चांस होंगे, दो चांस में अगर तुमने फ्रैंकलिन को नहीं बचाया तो फ्रैंकलिन तो मरेगा ही, लेकिन साथ में उसके जाने वाला तू भी मरेगा। क्या, कोई बात नहीं है, अपने भाई के साथ मैं भी कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है स्टॉक, थैंक यू सो मच। जाओ मेरी फ्रैंकी जी, बच जाओ। अरे बाप रे, ये क्या, ऐसा लगता है गाइस जैसे मरे हुए लोगों की दुनिया में आ गया हूं। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, मुझे भी ये सोल वर्ल्ड लगता है। गाइस यहीं आकर सब कुछ ठीक करना होगा, यहीं से मुझे खुद को बचाना होगा, ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। पहले तो मुझे ये देखना है कि असल में मुझे मारने वाला कौन था, किसने यहां पर मेरी गाड़ी में ब्लास्ट किया। बिल्कुल फ्रैंकलिन, किसी ने डायरेक्टली ब्लास्ट किया था या फिर पहले से बॉम्ब प्लांट किया था, ये भी पता चलेगा। देखिए गाइस मैं कितना खुश था, आप सभी को कितनी खुशी से अपने कपड़े दिखा रहा था, शॉपिंग की चीजें दिखा रहा था, अपनी शादी के बारे में बता रहा था, मेरे एक साथ से सब कुछ खत्म हो गया। खैर फ्रैंकलिन, यहाँ पर मुझे तो अभी तक कोई खतरा नजर नहीं आया। एक मिनट स्टॉक, ये क्या? अरे जल्दी जल्दी चलता हूँ, वरना बॉस मुझे पटक के मार देगा अगर मैंने ये काम नहीं किया। एक मिनट फ्रैंकलिन, इसका कोई बॉस भी है, और ये इधर क्यों आ रहा है तेरी कार की तरफ? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अरे वो बड़ा वाला बॉम्ब तो पीछे छूट गया, कोई नहीं छोटे वाले बॉम्ब को ही लगा लेता हूँ, उससे ही बात बन जाएगी। क्या बड़ा वाला बॉम्ब छोटा बॉम्ब, ये क्या कह रहा है? एक मिनट स्टॉक, ये तो मेरी गाड़ी के पीछे स्टिकी बॉम्ब लगा रहा है। अरे बाप रे, इन बॉम्ब को हम कहीं भी बैठकर कंट्रोल कर सकते हैं और जब चाहे तब ब्लास्ट कर सकते हैं। क्या इसका मतलब इसी बॉम्ब से तेरी कार फटी थी? बिल्कुल सही कहा, इसका मतलब मुझे मारने वाला ये सुकड़ा सा लड़का है। नहीं 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 फ्रैंकलिन, इस बात को तो गलतफहमी में समझ रहा है, जो मारने वाला बेशक ही है लेकिन मरवाने वाला कोई और है। कौन हो सकता है? गाइस हमें पीछा करना होगा और पता करना होगा किसने यहाँ पर ऑर्डर दिया था बॉम्ब लगाने का। अरे जल्दी चलना होगा वरना मेरा बॉस मुझे छोड़ेगा नहीं, जल्दी जाता हूँ। फ्रैंकलिन रुक जा, मेरा भी इंतजार कर, मैं तेरे साथ आ रहा हूँ। अरे बाप रे, सारा काम बढ़िया क्या था ना, वो बड़ा वाला बॉम्ब भी लगाया ना। अरे सॉरी, वो रास्ते में गिर गया था। और कोई नहीं, छोटे तो लगा दिए स्टिकी वाले। ये तो रेड है क्या? बिल्कुल फ्रैंकलिन, मैं कह रहा था ना यहाँ पर किसी बड़े का हाथ है। अभी तो मुझे ये देखना है कि असल में क्या सच में तुझे मार पाया था। बिल्कुल मैं मर तो गया था, अब मैं यहाँ पर बटन दबा के फ्रैंकलिन को स्टॉक मेंशन जाने से पहले ही फाड़ दूंगा, उसकी शादी भी नहीं होगी, बर्बादी होगी। बिल्कुल मजा आएगा। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, खैर इसको छोड़, हमें सबसे पहले, अरे बाप रे मैं तो भूल गया, पहले हमें तुझे बचाना होगा, हमारे पास सिर्फ दो चांस हैं। गाइस अगर फ्रैंकलिन के बॉम्ब फटने से पहले हम फ्रैंकलिन को नहीं बचा पाए तो सब खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो तूने सही कहा। फ्रैंकलिन रुक जा। अरे मैं कहाँ रुक गया हूँ? अरे तुझे नहीं कह रहा, मैं दूसरे वाले फ्रैंकलिन को कह रहा हूँ जो अभी जिंदा है। चलो गाइस अब जल्दी से चलते हैं, यहाँ पर सिंचन पिंचन चौप और अवेंजर्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फ्रैंकलिन रुक जा मेरे भाई। गाइस शायद उसे मेरी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप कमेंट में जल्दी से लिखो, बताओ खतरा है, उसकी कार में बॉम्ब लगे हुए हैं, प्लीज गाइस जल्दी लिखो। बिल्कुल हाँ दोस्तों।
मुझे बचाने का आपको करना होगा। नो, अरे रुक जा फ्रैंकलिन। अरे दोस्तों ये क्या, मेरे फ्रैंकलिन की कार फट गई, ये कैसे हो सकता है ना। अरे बाप रे, ये क्या, हम प्रेजेंट में क्यों आ गए, फ्रैंकलिन अभी तक जिंदा नहीं हुआ है क्या। ओ नो, इसका मतलब सब खत्म। नहीं नहीं नहीं, सब खत्म नहीं हुआ, सिर्फ एक चांस और है। अरे नहीं स्टॉक, ये क्या हो गया, हमने सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी ये जानने की असल में तुझे मारा किसने, जबकि सबसे पहले हमें तुझे रोकना था। नहीं नहीं, तुमने कोई गलत नहीं की बच्चों, तुमने सही किया ये जानकर कि असल में तुम्हें किसने मारा है, जिससे कि अब आगे से तुम फ्रैंकलिन को यकीन दिला सको। ये बात तो तूने सही कही यार डॉक्टर स्ट्रेंज, तो फिर इसका मतलब हम दूसरे चांस में जाकर खुद को बचा सकते हैं। बिल्कुल बचा सकते हैं। चल फ्रैंकलिन गाइस, ये लास्ट चांस है, इस बार आर या पार, या तो मैं फ्रैंकलिन को बचाऊंगा या उसके साथ मर जाऊंगा, मुझे दोनों चीजें मंजूर है। ऐसा मत कह स्टॉक, हम यहाँ पर जिंदा होकर लौटेंगे और मेरी शादी भी होगी। अरे भाई साहब, मेरे चोट क्यों लग रही है। गाइस हम वापस से सोल वर्ल्ड में आ चुके हैं, जहां पर मेरा पास्ट फिर से एक और बार दोहराया जाएगा, इस बार मैं अपने पास्ट को चेंज कर लूंगा। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, वो हल्क जो था सूखा सा, वो बोल रहा था वो बड़ा वाला बॉम्ब भी लेके आया था, मुझे तो कोई बड़ा बॉम्ब नहीं दिखा था, शायद हमने उसको थोड़ा आगे से देखा। इस बार मैं ध्यान आगे की तरफ रखता हूं, तो यहां पर ख्याल रख ठीक है। गाइस मैं जाकर देख, अरे बाप रे गाइस देखिए, वो जो सूखा सा हल्क है मोटा वाला बॉम्ब लेकर आ रहा है, इसका मतलब रास्ते में बॉम्ब छूटा था, यहीं से मैं पास्ट चेंज कर सकता हूं। अगर मैं उस बड़े वाले बॉम्ब को फाड़ दूं, बड़े वाले बॉम्ब के फटने की वजह से वो जो सूखा सा हल्क है वो भी यहां पर मर जाएगा, उसके मरने की वजह से कभी भी फ्रैंकलिन की कार में बॉम्ब लगेंगे नहीं, और फ्रैंकलिन की कार में अगर बॉम्ब नहीं लगे तो बॉम्ब फटेंगे नहीं, बॉम्ब नहीं फटे तो फ्रैंकलिन नहीं मरेगा, फ्रैंकलिन नहीं मरा तो यहां पर फ्यूचर ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों पास्ट में मैं फ्रैंकलिन को बचा लूंगा। वो रहा सामने फ्रैंकलिन, जल्दी करता हूं वरना मेरा बॉस मुझे छोड़ेगा नहीं। गाइस देखिए, इसके पास एक बहुत बड़ा बॉम्ब है और बाकी इसके पास छोटे छोटे बॉम्ब्स हैं, अगर मैंने छोटे बॉम्ब्स को किसी भी तरह से डैमेज कर दिया तो बड़ा बॉम्ब भी फटेगा, उसके बाद मेरा फ्रैंकलिन बचेगा और साथ साथ में सायरन हेड मरेगा। बिल्कुल सही कहा तूने स्टॉक, किस बात का इंतजार कर रहा है, जल्दी कर। ऑलराइट गाइस, अच्छी बात तो ये थी मैंने यहाँ पर अपने पॉकेट में ये इतना बड़ा वेपन रखा हुआ था। ओह माय गॉड स्टॉक, क्या तू मुझे बचा पाएगा। बिल्कुल सही कहा, मैं बचा लूंगा तुझे। अरे मार दिया, बचा। ओह फाइनली गाइस, एक मिनट, अरे ये ब्लास्ट कैसे हो गया। ओह नो, कहीं फ्रैंकलिन मुझे देख ना ले। फ्रैंकलिन एक बात सुन, मुझे यहाँ पे छुपना पड़ेगा, एक मिनट, वो हमें देख ना ले तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, छुपने से क्या होगा। अरे बाप रे, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, तू अगर कभी घर नहीं पहुंचा हो सकता है रेडल तुझे मार दे, रियलिटी कभी भी चेंज हो सकती है, जल्दी आ मेरे भाई। ठीक है गाइस, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है स्टॉक क्या कह रहा है। बस दोस्तों यहाँ पर जो मैंने किया है उस वजह से मेरा फ्रैंकलिन जिंदा हो जाए, खैर शायद मेरा धोखा होगा, कोई बॉम्ब वॉम नहीं पड़ा। खैर गाइस चलो घर चलते हैं, स्टॉक मेरा इंतजार कर रहा होगा, वेंचर्स भी और सिंचन बिंचन भी, बहुत ज्यादा मजा आएगा, आज मेरी शादी है। देखा फ्रैंकलिन, यहाँ पर तो आराम से निकल गया, तेरी कार पे बॉम्ब भी नहीं है, इसका मतलब मैं घर पहुंच जाऊंगा। अरे बिल्कुल पहुंचेगा, और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट भी होगा, देख यहीं पर तेरी मौत हुई थी ना। हाँ गाइस, मेरी कार आगे निकल गई, दैट्स मीन मैं अब जिंदा आऊंगा। ये क्या हो रहा है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, फ्रैंकलिन बच्चा जिंदा हो गया, सब कुछ इरेज होके नया बन गया। अरे वाह फ्रैंकलिन जी, आपने कर दिखाया, टोनी जी आपका शुक्रिया। अरे कोई नहीं भाभी जी, ये तो चलता है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट था आपकी शादी के लिए। थैंक यू सो मच, मैं कभी नहीं भूलूंगी। गाइस आज मेरी शादी है, कमेंट में जल्दी से कांग्रेचुलेशंस तो लिखना बनता है, और बाकी गाइस स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।